इस कहानी की शुरुआत में हमें नोवेयर ग्रह को दिखाया जाता है जिसे अब गार्डियंस ने कलेक्टर से खरीद लिया था और अब वो सभी उसे ठीक से बसाने की कोशिश कर रहे थे। क्रेगलिन नेबुला मेंटिस और ड्रेक्स को बताता है कि जब मैं और पीटर छोटे थे तो हमने योंडू के शिप में क्रिसमस मनाने की कोशिश की। वो दोनों टूटी हुई चीजों से क्रिसमस ट्री सजा रहे थे, तभी वहाँ योंडू भी आ जाता है जो उनसे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। पीटर उसे बताता है कि हम क्रिसमस मनाने वाले हैं जो अर्थ का एक फेस्टिवल है जिसे इंसान साल में एक बार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसीलिए मैंने और क्रेगलिन ने मिलकर क्रिसमस ट्री बनाया और सभी के लिए गिफ्ट लेकर आए। ये कहते हुए पीटर योंडू को उसका गिफ्ट देता है मगर योंडू उसे फेंक देता है और उन दोनों पर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसे क्रिसमस पसंद नहीं था, इसीलिए उस क्रिसमस ट्री को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये कहानी सुनकर मेंटिस काफी दुखी होती है मगर ड्रेस को इसमें बहुत मजा आता है। क्रेगलिन उन्हें बताता है कि मैंने मल्टीवर्स कैलेंडर में देखा कि अभी अर्थ पर लगभग क्रिसमस का टाइम चल रहा है, इसीलिए मुझे योंडू की उन बातों की याद आ गई। नेबुला उन्हें कहती है कि हमारे पास क्रिसमस को मनाने का वक्त नहीं है, हमें हमारे नोवेयर प्लेनेट को सही से रहने लायक बनाना होगा, और वो क्रेगलिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। मेंटिस देखती है कि पीटर गमोरा के जाने के बाद काफी दुखी है। यहाँ हम रॉकेट और कॉस्मो को भी देखते हैं। कॉस्मो जो एक लेब्राडोर प्रजाति का डॉग है, वो पहले कलेक्टर के पास था लेकिन अब कलेक्टर का म्यूजियम बर्बाद होने के बाद रॉकेट ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर थी, इसीलिए रॉकेट उसे उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा था। साथ ही कॉस्मो अपने एडवांस कॉलर की मदद से किसी से भी बात कर सकता था मगर कॉस्मो ठीक से अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए रॉकेट गुस्सा होकर उसे बेवकूफ कहने लगता है। तो कॉस्मो भी अपने द्वारा उठाए हुए पीस को नीचे गिरा देता है जिससे रॉकेट को अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगनी पड़ती है और उसे खाना खिलाता है। वहीं पीटर को एक बैंड का लीडर बिजी मिकी रोक लेता है जिसने अभी नया नया बैंड शुरू किया था जिनके इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के पुराने उपकरण थे। बिजी मिकी पीटर से कहता है कि मैं क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं गाना गाना चाहता हूँ क्योंकि तुम अर्थ से हो, इसीलिए तुम मेरा गाना जरूर समझोगे, और अपने साथियों के साथ क्रिसमस सॉन्ग गाने लग जाता है। मगर वो क्रिसमस के बारे में सब कुछ गलत बोल रहा था क्योंकि उसे अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो सेंडा को बुरा बताता है कि वो सभी को क्रिसमस पर तंग करते हैं जिससे पीटर परेशान हो जाता है। मगर ग्रूट जो अब काफी बड़ा हो चुका है उसे इस गाने में बहुत मजा आता है। मेंटिस भी ड्रेक्स के साथ ये सब देख रही होती है। वो ड्रेक्स से कहती है कि क्रिसमस बहुत अच्छा फेस्टिवल है मगर योंडू ने पीटर का क्रिसमस बर्बाद कर दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस क्रिसमस पीटर को एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहिए। ड्रेक्स उसे कहता है कि तुम पीटर को गिफ्ट क्यों दोगी। मेंटिस उसे बताती है कि तुम मेरा रहस्य जानते हो कि मैं पीटर की बहन हूँ क्योंकि ईगो मेरा और पीटर का बाप था, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए, मगर मैं उसे सच नहीं बताना चाहती कि मैं उसकी बहन हूँ क्योंकि उसे पता चला तो उसे मेरी वजह से ईगो की याद आएगी और वो दुखी होगा, लेकिन किसी को पीटर की परवाह नहीं, इसीलिए उसकी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाएगा। तो ड्रेक्स उसे कहता है कि पीटर केविन बेकन को अपना हीरो मानता है, इसीलिए हमें केविन को ही पीटर को गिफ्ट कर देना चाहिए। मेंटिस को आइडिया काफी अच्छा लगता है और अपने स्पेसशिप बोवी से अर्थ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें अर्थ पर केविन बेकन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर क्रिसमस के सामान खरीद कर वापस लौट आता है, तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है क्योंकि उसकी वाइफ किसी काम से बाहर गई थी और वो घर पर अकेला था। वही मेंटिस और ड्रेक्स शिप लेकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं क्योंकि ड्रेक्स क्लॉकिंग डिवाइस को ऑन करना भूल गया था जिससे वो शिप सभी को नजर आ रही थी, इसीलिए मेंटिस ड्रेक्स पर गुस्सा करती है। फिर वो अपनी शिप को लॉस एंजलिस में लैंड कर देते हैं और शहर में घूमने लग जाते हैं। शहर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है और वहाँ बहुत से कॉस्प्लेयर होते हैं। कॉस्प्लेयर उन लोगों को कहा जाता है जो अपने अपने फेवरेट सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर प्रदर्शन करते हैं। मेंटिस उन्हीं लोगों में से एक को असली कैप्टन अमेरिका समझकर उसके गले लग जाती है मगर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ ड्रेस को भी एक गोबोर्स दिखाई देता है जिसने उसके चचेरे भाई को मारा था और उसे असली गोबोर्स समझकर मारने जाने लगता है मगर मेंटिस उसे रोक लेती है। बहुत से लोग अब ड्रेक्स और मेंटिस के साथ भी सेल्फी लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी कॉस्प्लेयर है और उन्हें पैसे भी देते हैं जिससे मेंटिस के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो केविन बेकन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो केविन को ढूंढते ढूंढते
होते हैं। एक बार में पहुंचते हैं जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं और अपने सारे पैसों से बहुत ड्रिंक करते हैं जिससे वो पूरी तरह से टल्ली हो जाते हैं। वो दोनों जब बाहर बैठे हुए थे तो मेंटिस इसी बारे में सोच रही होती है कि वो इतनी बड़ी दुनिया में केविन बेकन को कहां ढूंढेंगे। तभी वहां एक लेडी जो कि सभी पॉपुलर स्टार के घर के मेप्स बेच रही थी वो मेंटिस को केविन बेकन का पता देती है, मगर उसके बदले मेंटिस से पैसे मांगती है। लेकिन मेंटिस के पास पैसे न होने की वजह से वो अपनी पावर से उसे कंट्रोल करके मैप ले लेती है जिससे वो बहुत ही आसानी से केविन के घर पर पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही वो केविन के घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारी क्रिसमस की सजाई हुई चीजें दिखाई देती है जिसमें से ड्रेक्स एक एल्फ को उठा लेता है और मेंटिस एक कैंडी केन को, फिर वो दरवाजा नॉक करते हैं। केविन जब दरवाजा खोलने जाता है तो पहले ही उन दोनों को बाहर देख लेता है। वो उन्हें कहते हुए वापस जाने को कहता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर ड्रेस कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इससे केविन डर जाता है और पुलिस को फोन लगाता हुआ उनसे बचकर भागने लगता है। मेंटिस और ड्रेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घर से कूदकर बाहर भाग जाता है। ड्रेक्स और मेंटिस भी उनका पीछा करते हैं मगर पुलिस वहां आ जाती है जो केविन को बचाने के लिए ड्रेक्स और मेंटिस को शूट करने लगती है, मगर ड्रेक्स को कुछ नहीं होता और मौका पाकर मेंटिस उन पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और एक एक करके अपनी पावर से उन सभी को बेहोश कर देती है। तभी वहां एक और पुलिस कार आ जाती है मगर ड्रेक्स उसे उठाकर फेंक देता है। मेंटिस ड्रेक को कहती है कि हम यहां लोगों को मार नहीं सकते, तो ड्रेक्स कहता है कि मुझे यहां के रूल नहीं पता। मेंटिस उन ऑफिसर को देखने जाती है मगर ऑफिसर मेंटिस को देखकर डर जाते हैं। मेंटिस उन्हें कहती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और उन्हें अपनी कैंडी केन गिफ्ट दे देती है। केविन वहां से भागने लगता है मगर मेंटिस उसे पकड़ लेती है और अपनी पावर से उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है, इसीलिए वो खुशी खुशी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर वो बहुत सारे क्रिसमस के सजावट के सामान और गिफ्ट लेकर अपने जहाज बोवी से वापस नोवेयर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर जब खाना खा रहा होता है तो उसे गाने की आवाज आई और जब वो बाहर गया तो देखता है कि मेंटिस और उसके सभी दोस्तों ने नोवेयर को पूरी तरीके से फेरी लाइट और क्रिसमस की चीजों से सजा दिया था। ये देखकर पीटर बहुत खुश हुआ। तभी वहाँ मेंटिस आकर उसे क्रिसमस विश करती है और अब बाकी सभी लोग भी वहाँ जाते हैं। ग्रूट पीटर का गिफ्ट लेकर आता है। पीटर को उसमें से किसी की आवाज सुनाई दी जिससे वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें से केविन बेकन बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीटर समझ जाता है कि मेंटिस ने उसे अपने काबू में किया होगा और वो ही उसे यहाँ लेकर आई होगी, इसीलिए उस पर गुस्सा करता है। मेंटिस उसे कहती है कि मैं केविन को तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाई थी। पीटर उसे बताता है कि यह कोई गिफ्ट नहीं बल्कि इंसान की तस्करी है, क्योंकि तुम एक इंसान को किडनैप करके लाई हो, और उसे केविन को वापस नॉर्मल करने को कहता है। मेंटिस केविन को नॉर्मल कर देती है जिससे वो जैसे होश में आता है तो वो डर जाता है। पीटर उसे समझाता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो क्रेगलिन को वापस से अर्थ पर जाने की तैयारी करने को कहता है, लेकिन केविन घबराते हुए वहां से भागने लगता है। पीटर अपने दोस्तों को उसे पकड़कर लाने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि क्रेगलिन केविन को लेकर वापस अर्थ पर ले जाने के लिए उसे अपने शिप पर ले आता है, मगर वो केविन को कहता है कि हम तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि मेंटिस और ड्रेस तुम्हें यहाँ इसीलिए लाए क्योंकि तुम पीटर के हीरो हो और उसने हमें तुम्हारी बहुत कहानियां सुनाई और वो तुम्हारी वजह से ही हीरो बना और आज गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए मेंटिस और ड्रेस को लगा कि वो तुम्हें पीटर से मिलाकर उसे खुश कर देंगे। इन बातों को सुनकर केविन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है जिससे वो हैरान होता है क्योंकि अर्थ से इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ सिग्नल आ रहे थे। तो क्रेगलिन उसे बताता है कि ये सब यहाँ के अच्छे सैटेलाइट की वजह से है। केविन अपनी वाइफ से बात करता है और उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ जिन्हें मुझे क्रिसमस के बारे में बताना है, और अब वो बिजी मिकी के बैंड के साथ एक बहुत अच्छा क्रिसमस सॉन्ग आता है जिससे पीटर और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं और अब सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए क्रिसमस विश करते हैं। पीटर ग्रूट को एक वीडियो गेम गिफ्ट करता है और नेबुला रॉकेट को बकी का हाथ गिफ्ट करती है। सभी बहुत खुश होते हैं। केविन भी उन सभी को हग करता है क्योंकि अब वो उनका दोस्त बन चुका था और अब क्रेगलिन उसे अर्थ पर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर और मेंटिस साथ में बातें कर रहे होते हैं। पीटर मेंटिस से पूछता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, तो मेंटिस उसे बताती है कि क्रेगलिन ने हमें स्टोरी सुनाई थी कि कैसे योंडू ने तुम्हारे क्रिसमस को बचपन में बर्बाद कर
दिया था। तो पीटर अस्तावा कहता है कि क्रेगलिन को पूरी स्टोरी पता नहीं थी और वो बताता है कि जब योंडू ने सभी क्रिसमस की चीजों को तोड़ दिया था तो उसके बाद में उस कचरे के डिब्बे में मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखा और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक ट्रोल था जो उसे काफी पसंद आया और उसने भी मुझे गिफ्ट में क्वाड ब्लास्टर्स दिए। क्योंकि योंडू दिल का बुरा नहीं था और उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मगर मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ। मेंटिस भी इससे खुश होती है और अब वो पीटर को बता देती है कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ क्योंकि वो मेरा बाप था। इससे पीटर खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हमें इसके एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ रॉकेट और कॉस्मो मिलकर ग्रूट को क्रिसमस ट्री की तरह सजा रहे होते हैं, मगर ग्रूट थक चुका था इसीलिए अपने हाथ नीचे कर लेता है, जिससे वो निराश होते हैं कि ग्रूट ने क्रिसमस फिर से बर्बाद कर दिया। मगर रॉकेट कहता है कि अब हमें एक और विशेष की जरूरत है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10K लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। साथ ही अगर आप ग्रूट के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।